हाँ, स्कॉर्पियो का डिमांड बहुत ज्यादा होता है चुनाव में। तो स्कॉर्पियो एन भी आ गया। हाँ, दोनों का डिमांड बहुत ज्यादा है अभी। इसमें टाइमिंग थोड़ा सा लंबा लेंगे क्योंकि प्रोडक्शन को लेकर के थोड़ा सा टाइमिंग ज़्यादा जा रहा है। तकरीबन 47 to 52 वीक्स का वेटिंग जाएगा अभी इस पर। टाइम पीरियड ऑलमोस्ट सेम, 52 weeks to 55 weeks तक ही जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, इसमें पैरानॉमिक सनरूफ जो दिया हुआ है जिसमें काफ़ी काम आएगा लोगों के, बहुत बहुत यूज़फुल रहेगा। क्यों बोले आपको भी मालूम होगा, क्योंकि आप प्रचार कर सकते हैं। ये एक अलग ही पहचान है इस रोड पर। किंग जैसे कहा जाता है कि स्कॉर्पियो जो रोड का किंग है, थार भी ऑफ रोडिंग के लिए किंग माना जाता है। लेकिन 4x2 में वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है इसके। वेटिंग पीरियड बहुत है, बहुत है। सोचें कि सस्ते में थार मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि उसका वेटिंग पीरियड आपका 42 to 45 weeks तक जा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, महिंद्रा के शोरूम में हम मौजूद है और देखिए ये जो गाड़ी है वो है स्कॉर्पियो एन। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए, आम लोग तो सोचते हैं कि कितना वेटिंग होगा, कितना वेटिंग होगा, कब लें, प्राइस क्या है, हर चीज़। लेकिन अभी आप भी जान रहे हैं कि अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है नेता लोग के लिए ये वीडियो, क्योंकि नेता लोग जो है ना वो चुनाव में स्कॉर्पियो खरीदते हैं, जितने भी एक्सयूवी हैं वो खरीदते हैं। तो चलिए बात करेंगे कि कितना दाम है और वेटिंग सारे एक्सयूवी का। स्कॉर्पियो एन हो गया, स्कॉर्पियो क्लासिक हो गया, थार हो गया, एक्सयूवी 700 हो गया, सबका वेटिंग जानेंगे और प्राइस जानेंगे। चलिए, ये जो कलर है वो आप देख ही सकते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए कि क्या नाम हुआ आपका पहले ये बताइए। मेरा प्रभात किशोर। प्रभात किशोर, ये जो गाड़ी है पहले दाम बताइए। इसका अप्रॉक्स 29 लाख रुपीस के आसपास है। 29 लाख, 29 लाख का गाड़ी है जी। कलर कौन कौन सा कलर में अवेलेबल है इसमें? अभी जो कलर आते हैं ये गोल्डन कलर है, इसके बाद फिर इसमें आता है आपका ब्लैक कलर, व्हाइट कलर है, रेड कलर है, डीप फॉरेस्ट कलर है। लेकिन ज़्यादा जो खूबसूरत लगता है वो गोल्डन कलर, ब्लैक कलर। डिमांड सबसे ज़्यादा किसका है? ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट का जी। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि नेता लोग अभी तैयार रहे क्योंकि चुनाव आने वाला, और आप भी जानते हैं कि चुनाव में सबसे ज्यादा यही गाड़ी खरीदा जाता है। हाँ, स्कॉर्पियो का डिमांड बहुत ज्यादा होता है चुनाव में। तो स्कॉर्पियो एन भी आ गया। हाँ, दोनों का डिमांड बहुत ज्यादा है। तो ये बताइए 29 लाख में, बताइए कि अभी मान लीजिए आज बुक हुआ, मिलेगा? अभी इसमें टाइमिंग थोड़ा सा लंबा लेंगे क्योंकि प्रोडक्शन को लेकर के थोड़ा सा टाइमिंग ज़्यादा जा रहा है। तकरीबन 47 to 52 weeks का वेटिंग जाएगा अभी इस पर। 52 weeks, हाँ, 52 सप्ताह। हाँ, 52 सप्ताह जी इस गाड़ी के लिए जी। तो देखिए, जितने भी नेता लोग हैं ना वो सुन लीजिए, 52 वीक्स लगेंगे ये गाड़ी अगर आपको चाहिए। 29 लाख अगर आपके पास हो ना हो वो नहीं है, आप अगर 30 लाख दें, आप लोग बहुत लोग होता है कि ए भैया इतना पैसा ले लीजिए लेकिन जल्दी दे दीजिए, कोई उपाय नहीं है, 29 लाख रुपए लगेगा। और अगर टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड है 52 वीक्स। एक बार ध्यान से देख लीजिए, गोल्डन कलर का स्कॉर्पियो एन है। ऑटोमेटिक है ये टॉप मॉडल? ये ऑटोमेटिक 4x4 है। 4x4 है। हाँ, ये इसका भी डिमांड बहुत ज़्यादा होगा। बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके इस गाड़ी में एक खासियत है कि फुल फैमिली के साथ आप ऑफ रोडिंग कहीं भी कर सकते हैं। ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे लेकिन यहाँ से देख लीजिए, यही है स्कॉर्पियो एन। कैसा दिखता है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये गाड़ी जो है 29 लाख में आपको मिलेगा। कलर्स कौन कौन से वेरिएंट में आएंगे वो आपको सुन ही लिए कि गोल्डन में आएगा, व्हाइट में आएगा, ब्लैक में आएगा, और भी कलर्स। ये और कोई कलर है? नहीं, बस यही कलर है। ये बताइए कि 52 वीक से कम नहीं होगा? अब डिपेंड करता है प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन अगर हाई होता है तो प्लांट में, तो फिर वेटिंग पीरियड बहुत कम होगा। सबसे ज़्यादा वेटिंग पीरियड किसका, इसका या क्लासिक का या XUV 700? ऑलमोस्ट सारे गाड़ी का सेम है, जैसे स्कॉर्पियो एंड XUV 700 का ऑलमोस्ट सेम जा रहा है अभी वेटिंग पीरियड। क्लासिक S वगैरह में क्या है, S11 वगैरह में, वो कि अभी आपको 6 से 7 सप्ताह में अवेलेबल हो जा रहे हैं। बहुत लोग 700 बोलते हैं, बहुत लोग 700 बोलते हैं, दोनों बोलते नहीं, 700, 300, 500। हाँ, महिंद्रा का जो ओ वर्ड है वो काफ़ी लकी है, इस वजह से हर गाड़ी के लास्ट में ओ जरूर लगता है। देखिए 700 नहीं, चलिए तो अब 700 दिखा दें। हाँ चलिए, अब हम लोग 700 दिखाएंगे, XUV 700, प्राइस भी देखेंगे, कौन कौन सा कलर्स अवेलेबल है वो भी देखेंगे, और सबसे बड़ी बात नेता लोग को रुकना कितना है वो भी देखना। तो चलिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि XUV 700 ब्लैक कलर। हाँ जी, मिडनाइट ब्लैक है ये। मिडनाइट ब्लैक है। हाँ, ये बताइए दाम बता दीजिए सबसे पहले। इसका भी अप्रॉक्स सेम है 29 लाख जी। टॉप एंड मॉडल आपको 29 लाख के अप्रॉक्स में आपको जाएगा। चलिए एक बार देख लीजिए कि XUV 700 कैसा दिखता है, स्कॉर्पियो एन से कितना अलग है वो आप देख ही सकते हैं, और जिनको नॉलेज है वो तो जानते हैं कि XUV 700 में क्या अंतर है, स्कॉर्पियो एन में क्या अलग है। ये भी 29 लाख है जी, अप्रॉक्स 29 लाख के आसपास। ऑल व्हील ड्राइव, इसमें भी व्हाइट है आपको, ब्लैक, मिडनाइट ब्लैक आ रहा है, सिल्वर है, इसमें आपका रेड कलर है, यही सब कलर जो है इसमें भी आ रहे हैं। टाइम पीरियड ऑलमोस्ट सेम, 52 वीक्स टू 55 वीक्स तक ये जा रहा है। 55 वीक्स,
55 वीक्स भी है, ये देख लीजिए XUV 700 का 55 वीक्स, एक बार बाहर से देख लीजिए, लुक देख लीजिए, एक और बार हम आपको दिखा दें, देखिए क्योंकि अभी जो XUV का जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अगले साल चुनाव है, सब लोग जानते हैं कि जितने भी नेता हैं वो खरीदते ही हैं क्योंकि उनको प्रचार करना पड़ता है। तो देखिए एक चीज़ बहुत अच्छी बात है, इसमें पैरानोमिक सनरूफ जो दिया हुआ है जिसमें काफ़ी काम आएगा लोगों के, बहुत बहुत यूज़फुल रहेगा। क्यों बोले आपको भी मालूम होगा, खड़े होकर आप प्रचार कर सकते हैं। तो देखिए एक बार इसका राउंड मार लेते हैं, देखिए इसका फिनिशिंग जो है, आई का जो है वो सब चीज़ आप देख सकते हैं, ये XUV 700 है, 29 लाख का है, 29 लाख सेम ऑलमोस्ट सेम है। चलिए आपने दाम जान लिया और कलर किस किस में अवेलेबल है वो भी आप देख लिए। देखिए 55 वीक्स इस गाड़ी के लिए, 55 वीक्स। अब बाहुबली गाड़ी पे आते हैं, बाहुबली गाड़ी मतलब कि थार, आप लोग भी जानते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा महिंद्रा थार 4x4 है, मैनुअल। चलिए आप ये भी गाड़ी देख सकते हैं, ये गाड़ी मुझे लग रहा है कि जब काफिला निकलता है तो ये तो रहना ज़रूरी है, ये एक अलग ही पहचान है इस रोड पे, किंग जैसे कहा जाता है कि स्कॉर्पियो जो रोड का किंग है, थार भी ऑफ रोडिंग के लिए किंग माना जाता है। कितने भी आ जाएं इसको कोई पीछे नहीं कर सकता, इसके टक्कर में कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो अब दाम बता दीजिए इसका। इसका टॉप एंड मॉडल आपको 18 से 19 लाख में आपका फॉर्म मिल जाएगा, 4x4 आपको जी। 4x4 कितने में मिलेगा? 18 से 19 लाख। टाइम पीरियड कितना? ये आपको अभी जो है कि ये अवेलेबल स्टॉक मिल जा रही है, अभी कोई आया? हाँ, तो अभी 4x4 में अवेलेबल स्टॉक मिल जा रहा है, लेकिन 4x2 में वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा हुआ है इसके। 4x2 में वेटिंग पीरियड बहुत है, बहुत है, सोचें कि सस्ते में थार मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि उसका वेटिंग पीरियड आपका 42 to 45 वीक्स तक जा रहा है 4x2 का थार का। 42 to 44 वीक्स जा रहा है। और यहाँ पे देखिए कि किस तरह से थार लगा हुआ है, ये गाड़ी मुझे लग रहा है अभी आएंगे लेने के लिए तो मिल जाएगा तुरंत। तुरंत मिल जाएगा, कोई वेट करने का जरूरत नहीं है हार्डली। अगर कोई आपका कोई कलर है, कुछ ऑप्शंस है, तो 1.5 महीने काफ़ी है, 1.5 से 2 महीना काला ही चाहिए तो तुरंत, हाँ ये तुरंत मिल जाएगा। बंदर थार को आपको दिखा देते, देखिए सब लोग जो हैं वो थार को तो देखे ही हैं भैया, आप एक और बार देख लीजिए इस वीडियो में, क्योंकि हमने स्कॉर्पियो एन को दिखाया, XUV 700 को दिखाया, तो इसको भी दिखा देते हैं, ऐसा दिख रहा है। और रुकना नहीं है, थार अगर आपको चाहिए ना आप आइए और ले जाइए, अगर आपका कुछ कलर का डिमांड है तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोग रोकेंगे महिंद्रा शोरूम वाले तो आपको रोकेंगे 1 से 1.5 महीना, लेकिन XUV 700 का वेटिंग पीरियड जो है वो 55 हफ्ता है जी हाँ, और स्कॉर्पियो एन का जो है वो 52 वीक्स है। यहाँ पे बुलेरो भी लगा है, लेकिन वो लोग मुझे लग रहा है कि वो तो सब आपको आराम से मिल जाएंगे, वो सारे ये प्रचार में यूज़ नहीं होता है। अच्छा, प्रचार में यूज़ नहीं होता क्या? नहीं, ये सब उतना नहीं है, एज अ कमर्शियल यूसेज के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। तो क्लासिक अब दिखाएं लोगों को? हाँ चलिए चलिए, अब क्लासिक दिखाएंगे आपको, स्कॉर्पियो क्लासिक जो बेस्ट शुरू से है और लोग को भी लगता है, क्योंकि जितने भी लोग हैं ना, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, वो चुनाव में सबसे ज़्यादा स्कॉर्पियो क्लासिक यूज़ करते हैं। तो स्कॉर्पियो क्लासिक दिखाते हैं और दाम भी बताएंगे और वेटिंग पीरियड जो है वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए सब ठीक है, लेकिन असली चुनावी गाड़ी जो होता है वो यही होता है। देखिए जैसे ये मुझे दिखा वैसे एनर्जी भी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा गाड़ी खरीदते हैं जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता हैं, जिनको शौक है वो यही गाड़ी लेते। ध्यान से देख लीजिए, स्कॉर्पियो क्लासिक है, 19.5 लाख दाम है, और मुझे लग रहा है वेटिंग पीरियड कितना है इसका? 4 से 6 सप्ताह में मिल जा रहा है। दाम कितना? 19.5 लाख। 19.5 लाख कौन कौन से कलर्स में अवेलेबल है? इसमें व्हाइट और ब्लैक ज़्यादा डिमांड होते हैं। मुझे लग रहा है ये पूछना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि सब लोग जानते हैं स्कॉर्पियो मतलब या तो काला या तो उजला, और सब लोग जो है वो ज़्यादातर यही दोनों कलर में चुनते हैं। हाँ जी, लेकिन भोकाली जो है वो तो काला में होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन लोग मरते हैं कि भैया मेरे पास काला स्कॉर्पियो हो, मेरे पास काला स्कॉर्पियो हो। तो आज हम आपको दिखा दिए क्या क्या दिखाए, स्कॉर्पियो एन दिखाए जिसका दाम प्रभात भाई वही आपका 29 लाख के आसपास, 29 लाख वेटिंग पीरियड उसमें भी 42 से 47 सप्ताह। ये बताइए स्कॉर्पियो क्लासिक का कितना था? 6 से 7 सप्ताह। 4 से 6 सप्ताह, 55 सप्ताह सबसे ज्यादा XUV 700 का डिमांड में वही है क्या? बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें जो एडास का फीचर वगैरह, जो आपका पैनोरामिक सनरूफ वगैरह है, इस वजह से लेके 700। लोगों को बता दीजिए कि पैनोरामिक सनरूफ का क्या काम होने वाला है? पैरानोमिक सनरूफ का बहुत चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप कहीं भी ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, कहीं भी आप सिटीज़ कहीं मनाली वगैरह गए हुए हैं, तो आराम से सनरूफ खोल सके आप, इन्जॉयमेंट कर सकते हैं, प्रचार में भी काफ़ी यूज़फुल। ये भी बोल दिए कि देखिए चुनाव आने वाला है तो भैया सबसे ज़्यादा उसी का यूज़ होता है, वरना पता चला कि सनरूफ छोटा सा है और नेताजी थोड़ा मोटा है, कैसे निकलेंगे? इसलिए तो है 700 पैरानोमिक सनरूफ है कि एक साथ 2 से 3 लोग आराम से बाहर निकल। 55 सप्ताह रुकना होगा बस, और ये क्लासिक के लिए आपको 7 से 8 सप्ताह रुकना है बस। हमने आपको दिखा दिया स्कॉर्पियो एन XUV 700। थार का वेटिंग तो है नहीं, अगर कलर चाहिए
हाँ, तो 1.5 से 2 महीना काफी है। 1.5 से 2 महीना काफी है और इसके लिए 4x2 में ज्यादा है वेटिंग पीरियड, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और ये जो स्कॉर्पियो है इसके लिए मार होता है, लेकिन ज्यादा देर रुकने का जरूरत नहीं है, 19.5 लाख में मिलेगा और वेटिंग पीरियड है 6 से 7 सप्ताह बस। तो आप देखिए जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जितने भी लोग हैं, वो अब ले सकते हैं। हमने आपको बता दिया कि वेटिंग पीरियड कितना है, दाम कितना है, बाकी चीज़ बाकी फीचर्स लाइफ सीरीज ने आपको बहुत पहले ही दिखा दिया, लेकिन अभी जो डिमांड था सबने बोला कि हम दिखाएं उनको कि वेटिंग पीरियड किसका है। एक्सयूवी का बहुत ज़्यादा डिमांड हो रहा है क्योंकि चुनाव आने वाला है भैया, तो जितने भी लोग हैं वो खरीदते हैं एक्सयूवी, और आम आदमी भी हैं वो भी खरीदते हैं, लेकिन ये दोनों के लिए, लेकिन मेनली जिसके लिए था वो आपको दिखी गया कि वीडियो में हम क्या बोले हैं। तो बस लाइफ सीरीज के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पेज को लाइक कर, धन्यवाद।